ये अम्मा आपको बताएंगी गाइस खुद आप पूजा के बारे में। यहाँ नहीं की बात होगा, आप यहाँ के पुराने हो, बताओ ना यहाँ के बारे में। यो बही बो पूजा हो जाए उन्हें भाई, यो बाहर मारे नेर भाई म्याल लागो तो सब उन्हें भाई। यार 100 साल की है ये अम्मा और ये बूबू है और ये तो यही पीने वाला आज ऊपरा। हे गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह स्वस्थ और मस्त। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। और मैं उठ गई हूँ, अभी 7:30 हो रहा है और अभी दुकान से ब्रश लेके आई। हर बार जहाँ भी जाती हूँ ब्रश भूल जाती हूँ हमेशा ही, तो यहाँ भी मुझे खरीदना ही पड़ा। और ये सभी लोग मंदिर जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं, मंदिर के लिए सामान तैयार कर रहे हैं। और मैं पहले ब्रश कर लेती हूँ, फिर मुझे नहाना है। ये लोग तो जल्दी चले जाएंगे, अंकल आंटी जी लोग, और हम लोग थोड़ा लेट जाएंगे नहा धो के। ये पूरी है या रोटी है? थोड़ा बड़ी बड़ी बनाओ ना, एक मोटी बना ला। मैं वो कर देती हूँ ना, मैं बेल देती हूँ, लाओ। तो गाइस बन रही है अभी चूल्हे में गर्मा गर्म रोटियाँ, और इतनी छोटी बन रही है पूरी के बराबर। थोड़ा बड़े बड़े बेलो, ठीक तो है? कोयले में सीखेंगे, वो जल्दी हो जाएगा। इतनी अच्छी बन रही है ना, और सेको ना उसको। मेरा नाम प्रिया मेहता है और ये मेरे साथ मिलने आई है। अभी कहाँ जा रही हो? मैं दुकान जा रही हूँ। क्या लेने हैं? स्टफ लेने। जाओ फिर जाओ, जल्दी जाओ। बाय बाय। तो गाइस आज से कर रहे हैं खुदा पूजा, और आज सबके घर घरों में जाके पूजा होगी। तो मैं भी ये पहली बार देखूंगी और आप लोगों को भी पहली बार दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने भी आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है आज के दिन में, और मैं आपको बड़ा सा मंदिर भी दिखाऊंगी। कल अंधेरा हो गया था ना, तो इस वजह से मैं आपको कहीं दिखा नहीं पाई, और अंधेरे में उतना अच्छा आता भी नहीं है। तो आज बढ़िया करके मैं आपको इनका गाँव दिखाऊंगी और यहाँ का मंदिर दिखाऊंगी जहाँ कल रात हम लोग गए हुए थे। तो दोस्तों मैंने ब्रूस कर लिया है और नीम वाली यहाँ पे झाड़ू लगानी है, और मैं अब आग सेकूंगी थोड़ी देर, क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है कि आग से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इन्होंने रोटी बना के अब ये झाड़ू थोड़ा साफ कर रही है यहाँ पर। तो दोस्तों मंदिर जाने की तैयारी होने लग गई है, और ये ले जा रहे हैं डोके में सामान, इसमें सारा मंदिर का सामान होगा। ले ले, ये कुत्ता रोटी क्यों नहीं खा रहा? ले ले पकड़, अगर खा भाई, सूंघ के क्यों छोड़ दे रहा है? खा ले, सब्जी लगा के दे रही हूँ, खा ले। तो गाइस देखो कुत्ते के पीछे नखरे हो रहे हैं, ये रोटी नहीं खा रहे हैं। तो गाइस हम तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए, और मेरे पीछे पीछे आ रही है पिंकी। इनके हाथ में तिल की बोतल है और फूल है थोड़े से मंदिर ले जाने के लिए। कुछ कहना चाहोगी आप? अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है और हम बहुत थक जाएंगे, वहीं जाके मिलेंगे गाँव। तो गाइज आपको दिखाते हैं आगे का। तो गाइज ये है पिंकी रूम का पुराना घर, जहाँ ये लोग अब नहीं रहते हैं, ये आजकल नए घर पर रहते हैं। ये पूरा खंडर हो चुका है, क्यों एक बार छोड़ दिया तो फिर बर्बादी हुआ। हाँ छोड़ा हुआ अगर फिर नहीं होता है ना करने दिया। एक बकरी एक ही की बात, ये फिर बाकी कहाँ गए? अरे पट्टी भी है उसके वहाँ। तो गाइस हम घर से काफी ऊपर आ गए हैं, पुराने घर से। ये हमारे नहीं है, तुम मतलब तुम्हारे यहाँ भी खेत तुमने कमा रखे हैं? सारे सारे कमाए हुए हैं खेत यहाँ? हाँ सारे कमाए हुए हैं। तो इतनी दूर से यहाँ आते हैं गाइस, इतनी मेहनत करते हैं, देखो इतने ऊपर तक खेत कमा रखे हैं यहाँ वालों ने। हमें बिल्कुल भी राशन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक्स्ट्रा भी सेव कर लेते हैं, और शायद बेचते भी होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ अच्छा अनाज होता है। तो गाइज हम रास्ता भटक गए हैं, हम खेत खेत आ रहे हैं, पता नहीं किसके खेत हैं। और हमने जाना है नीचे, क्योंकि इनकी फैमिली वाले सब नीचे बैठे हैं और हम ज़्यादा ही ऊपर आ गए हैं, तो अब हमें वापस नीचे को जाना पड़ेगा। मतलब काफ़ी लोग हैं इधर, सबके घर के आए हुए हैं अलग अलग फैमिली से, तो पता नहीं चल रहा है कि हमारा कहाँ पर, हमारी पूजा कहाँ पर हो रही है। तो हमारी पूजा नीचे हो रही है, तो हमें अब यहाँ से फिर नीचे जाना पड़ेगा। पहले इतनी ऊपर आए, अब फिर नीचे जाओ। नीचे बैठे हुए हैं तो हम वहीं जाते हैं सीधे अब। और बाकी ऊपर भी पूजा हो रही है, तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं आया हम जाना किधर है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पसीने आ गए हैं, वैसे तो ठंड होती है पर दिन के टाइम पे कोई ठंडी नहीं होती, लेकिन आज बादल भी लगा है, पर इतनी गर्मी हो रही है, सारे पसीने आ गए हैं। और क्या होता है यहाँ पर जो फैमिली होती है, जैसे एक फैमिली में बहुत सारे एक फैमिली का मतलब न्यूक्लियर फैमिली, जैसे
चाचा ताओ के मतलब मिक्स करके एक फैमिली में मतलब पूरा खानदान के हैं, तो 50-60 लोग होते हैं, 50-60 लाख 50-60 लोग होते हैं इस टाइम पर हमारी फैमिली में। भी सब लोग यहाँ नहीं आते, घर पर लगभग 30-40 के आसपास है अभी हमारा, क्योंकि अभी सारे लोग बाहर हुए हैं तो सब इकट्ठा हो रखे हैं, सब यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, अभी आधे लोग नहीं आए, तो 60 के आसपास है पूरे खानदान में, तो हर कोई परिवार अपने खानदान के साथ पूजा करेगा। कम से कम 350 के आसपास यहाँ गांव है और सब लोग पूजा कर रहे हैं पता है इस टाइम पे, और इस टाइम पे यहाँ जो भी प्रदेश में रहते हैं बाहर रहते हैं तो सब लोग गांव में आते हैं, मतलब इस पूजा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूजा मानी जाती है यहाँ, ये लोग बता रहे थे मुझे। तो हम मंदिर पहुँच गए हैं और यहाँ पे पंडित जी ना टीका लगा रहे हैं सभी को, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा अस्मा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमो रात्रि पाशवी नक्षत्र। हेलो गाइस, जोर से बोलो हेलो गाइस। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर में और यहाँ है मंदिर, अब बोलो कुछ। ये है मानसी, ये है प्रिया और ये दोनों बहुत अच्छी डांसर हैं और आपको जल्दी डांस करके दिखाएंगे। अभी थोड़ा डांस करेंगे फिर नहीं करेंगे क्या डांस। और ये है पुष्पा चाची, काम कर रही हैं। दोस्तों यहाँ पे बांटा जा रहा है प्रसाद, अभी फल आए हैं, यही पीने वाला है, आज ऊपरा पकड़ो प्रसाद, वो पीने वाला है। अब आया गाइस हलवा, खाओ आलू हलवा प्रसादी है ये। अब आया दोस्तों हलवा और पूरी, खाओ ना, नाश्ता करके आए वैसे हम, अभी ज्यादा भूख नहीं लगी है। पकड़ो बच्चो, खा लो ना। तो दोस्तों हम यहाँ पहुँचे जब यहाँ हलवा पूरी सब बन गया था और यहाँ की पूजा समाप्त हो गई है, हमें दूसरी जगह जाना है पूजा में, एक जगह खत्म होने के बाद हम दूसरी जगह पूजा कर रहे हैं। गाइस एक साइड की पूजा खत्म हुई और हम बर्तन वर्तन लेके दूसरी साइड जा रहे हैं। अब इतना बड़ा बर्तन है, देखो देखो इसके सर में डेग है और मेरे पास चटाई है, और मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कैमरा है, तभी तो मैं सबको दिखा पा रही हूँ। अब जाएंगे दूसरी जगह और फिर वहाँ का दिखाऊंगी आपको मैं। हाय गाइस, ये सेकंड जगह है, इसे बोलते हैं खोदराधार, खोदाधार। हाँ तो खोदा पूजा ही हो रही है। हाँ तो हम सेकंड मतलब इस जगह का नाम खोदाधार है, यहाँ हम बहुत सालों से पूजा करते हैं, जब हमारे दादा वगैरह परदादा तब से करते हैं, और ये मतलब यहाँ पर बहुत मतलब गॉड जो होते हैं उनकी मूर्तियाँ ही है। गाइस अभी हम आए हैं तारा बुआ के घर पे, तारा बुआ का ही है ना ऊपर वाला घर, ऊपर वाला घर है, और यहाँ पे अम्मा लोग बैठे हुए हैं, और हम फिर से जाएंगे मंदिर घड़ा लेके, क्योंकि वहाँ पानी की थोड़ा समस्या है, तो पानी लेके हमने जाना है ऊपर। चलो अब चलते हैं। चलो, चलो। और यहाँ पे कुछ अम्मा लोग बैठी हुई हैं, तो बातें कर रही हैं, सब अपने अपने मायके आए हुए हैं इस टाइम पे। 100 वर्ष की हो गई। तो दोस्तों ये हैं अम्मा, जो ये लोग कह रहे हैं कि 100 वर्ष की है, मतलब की है अम्मा 100 साल की है ये अम्मा, और ये बूबू हैं, और ये फोटो खींच रही अम्मा, और सभी लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ की छू, यहाँ की छू, माय क्या है बेटे 100 साल की है का। चलो ठीक है यार, अभी भी जिंदा है, और इनकी मेमोरी बहुत तेज है, अब भी हम सबको पहचान जाती हैं और सारे रिश्तेदारों को। सही है यार, मतलब 100 साल में भी इतनी तेज घड़ा में पकड़ती हूँ, ठीक है अब मुझे घड़ा पकड़ना है गाइस। तो ये है मेरा घड़ा और हमने पकड़ रखी है ये कैन मनीषा, और मैंने सर में तो नहीं रख, सर में रख वैसे कमर पे तो नहीं ले जा पाती, हाथ में ले जा लूंगी। चलो तो गाइस हमें पानी पहुंचा के आना होगा, मतलब मुझे अम्मा को देखिए कुछ कहना नहीं आ रहा है यार, 100 साल तक भी मतलब कोई इंसान जिंदा रह सकता है, जिंदा रहने का वो नहीं है, सबसे मैं ना अम्मा हर एक को जानती, जैसे हमारी बुआएं हैं उनके बच्चों को, कि उनका पोते को सबको जानती, जब भी हम कहीं सालों बाद भी घर आते हैं तो अम्मा सबको पहचान जाती हैं, तब भी याददाश्त नहीं तेज है यार, अम्मा की मेमोरी बहुत तेज है। ये हैं गाइस छोटे छोटे बच्चे, बोलो हेलो गाइस, बोलो बोलो, अरे हेलो गाइस, हेलो गाइस, हाथ से करो हेलो गाइस, करो हेलो गाइस, हाथ हिलाओ, वाह वंशु हेलो गाइस कर। मंदिर से तो हम आ गए थे और वहाँ अभी
और गाइस खाना बन रहा है तो हमें भूख लग गई है तो हम माल्टा खाएंगे। नमक विथ माल्टा गाइस, ये नमक है पीसा हुआ, ये बहुत स्वाद, बिना इसके माल्टा कुछ नहीं है। हम व्हाइट सॉल्ट के साथ ये माल्टा नहीं खा सकते, अब सब कुछ माल्टा डिपेंड करता है सॉल्ट पर। ये देखो तो ये है भांग का नमक, इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, पी लो पानी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस, अब खाना कितने लाए हो तुम? 5-6 ही लाए हो। मनीषा एक काम करे, चलो ठीक है काटो पत्ती तोड़ कर। तो गाइस मुझे लगता है कि खाना बनने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर गए हैं दूसरे मंदिर पे और हम लोग अभी नीचे पुराने घर पे आए हुए हैं और बहुत ज्यादा भूख लग गई है, तो हम माल्टा तोड़ रहे हैं। यहाँ इतने सारे माल्टे होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा, सबके घरों पे एक माल्टा का पेड़ दिखाई दे रहा है, एक एक नहीं मतलब तीन चार तो सबके घरों में लगभग लगभग माल्टे के पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ। गाइस अभी हम बिना प्लेट के, तो हम ऐसा करेंगे जैसे एक माल्टा मेरे है, तो मैं अपने वाले माल्टा को ऐसे मैं बीच से काटूंगी, बीच से काट के इसको मैं दो और इसके मैंने 4 पीसेस किए। ये लोग अपने माल्टा का खुद करेंगे, फिर मैं इसको ऐसे करके फिर मैं इसमें ऐसे सॉल्ट लगाऊंगी, इसलिए मैं प्लेट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम हाथ से छिलके खाएंगे हमारे हाथ भी दर्द होते हैं उससे और स्वाद भी नहीं होता है। ऐसे खा के हर कोई अपना अपना करेगा ये काम। तो गाइस अभी 2 बच्चे और आ गए हैं यहाँ पर। हाय बोलो जल्दी, हाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब हम जाएंगे खाना खाने के लिए। चलो भाई अब तो टाइम हो गया है, अब बन भी गया होगा खाना। भेड़ है नहीं क्या? इनके बाल काट देते हैं, तो ये काटे हैं जो बाल है ये। बाप रे खतरनाक है यार, तो पहली बार देख रही हूँ भेड़ को। हाँ बोलो फिर बोलो। ये तारा को दिखाना सबसे पहले, आप ही बोलो मेरे को। मन सबसे पहले तारा को दिखाना, ये बनाते व्लॉग है क्या बोलते हैं? दीदी हाँ पमसारी, पमसारी को कोई ना पहचान नहीं है। पमसारी वाले की बहू आ रखी है यहाँ पर, खास काम पर की बोला। तो दोस्तों सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं यहाँ और खाने पीने की तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ पे भात बन रहा है, भात बन रहा है, यहाँ पे कुकर रखा है, मटन बन रहा है, ऊपर बन रहा हो तो ऊपर क्या? अच्छा वो भुटवा है, चलो सही है। तो भात कहाँ बन रहा है फिर? अच्छा भात बन गया, भात वहाँ रखा है गाइस, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। अलग सी पहाड़ी है इनकी, हम लोगों की पहाड़ी बहुत अलग है, तो इनकी भाषा ही समझ में नहीं आ रही है। जब हिंदी बोल रही हूँ तभी समझ में आ पा रही है, वरना कुछ कुछ वर्ड हमारे जैसे सेम है, वरना वे अलग ही जैसा बोल रहे हैं। अलग पहाड़ी है, ठेठ पहाड़ी है ये, अलगवाल पहाड़ी छावा। तुम्हारे भाषा ने समझ में न उमरे, अलगवाल बोले मैं अलगवाल बा अलगवाल छा। ये अम्मा आपको बताएंगी गाइस खोदा पूजा के बारे में। यहाँ की बहुत होगा, आप यहाँ के पुराने हो, बताओ ना यहाँ के बारे में। वही पे पूजा होता है उन्हें बघार मारे नेर बाय म्या लागो तो सब ने बो या बुझे बच्चे हो ओ बुजुर्गो घर पोद परार पर रिवाज गई हो, मतलब 7-8 साल में 9-10 साल में एक बार। हां ये एक बार पूछ ने बो बार, कोई बात साल में कोई 10 साल में पूछे, कोई 5 साल में तो होने बो या। अच्छा अच्छा ऐसी बात है। तो दोस्तों ये है यहाँ के मंदिर, जो छोटे छोटे होते हैं सभी जगह अलग अलग। तो दोस्तों सब लोग कैसे बैठे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ अभी प्रसादी ले रहे हैं सभी लोग, पूरी हलवा भुटवा जो पहाड़ियों का मेन है। गाइस खाने की तैयारियां होने लग गई हैं और यहाँ पे थालियां लगी हैं, इन पे खाना जाएगा अभी, और फिर सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं खाने के इंतजार में, ये आप देख सकते हैं। A few moments later. तो गाइस हम लोग आ गए हैं मंदिर से घर, और अभी वहाँ लोग आधे लोग खाना ही खा रहे थे, हम लोग ने जल्दी खा लिया है। वैसे तो जल्दी तो क्या ही खाया है, 5 बज गया है, 2 जगह पूजा थी तो खाना लेट बना, और अभी मुझे इतना ठंडा लग गया है कि खाना खाने के बाद तो वैसे भी ठंडा होता ही है, तो मुझे ज़्यादा ही ठंडा लग गया है क्योंकि मैंने कपड़े भी कम पहने हैं और सर में टोपी भी नहीं है। तो मैं जल्दी आ गई हूँ, लगभग लोगों से मैंने खुदा पूजा के बारे में पूछा, लेकिन सभी लोग यही कह रहे थे कि पूर्वजों के दिनों से चला आ रहा है तो हमने भी इसे निभाना पड़ता है, और जैसा चलता है रीति रिवाज के अनुसार हमने वैसा ही करना पड़ता है। तो गाइज अब घर के ऊपर ही पहुंच गए हैं हम लोग, और अगर मुझे टाइम हुआ तो मैं दूसरे मंदिर पर जाऊंगी जो मेन मंदिर यहाँ का है,
और वहाँ दिखाऊंगी आपको। वैसे तो अब रात होने वाली है, कल रात जो हुआ था वही होगा रात को भी आज, लेकिन आज ज़्यादा अच्छा होगा ऐसा लोग बोल रहे थे, क्योंकि कल फर्स्ट दिन था तो कम भीड़ थी, लेकिन आज सेकेंड दिन है तो आज ज़्यादा भीड़ होगी, ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये 5 दिन का मेला होता है गाइस, और 5 दिन में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। फर्स्ट दिन उतना नहीं होता, सेकेंड थर्ड दिन से बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ता जाता है और लोगों की भीड़ भी बढ़ती जाती है। लास्ट दिन तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, पेड़ में जाके देवता आता है इस टाइप से कुछ बता रहे थे यहाँ वाले, और कम से कम 1,500-2,000 तक की बकरियाँ यहाँ कटती हैं लास्ट दिन, और बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाते हैं, मतलब दिवाली से कम नहीं है ये त्यौहार। तो गाइस मैंने लगभग यहाँ ये देखा कि जिन लड़कियों जो भी लड़कियाँ यहाँ रहती हैं, जिन लड़कियों की यहाँ से शादी हुई है वो भी अपने मायके आई हुई हैं, काफ़ी लड़कियाँ यहाँ अपने मायके आई हुई हैं, और बहुत धूमधाम से ये पूजा यहाँ मनाई जाती है। जो देश विदेश में लोग यहाँ के रहते हैं वो भी गांव आते हैं इस पूजा के लिए। तो इससे ज़्यादा आप क्या ही कहूँ गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर मुझे टाइम होगा तो मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगी, मेन मंदिर जो जहाँ लास्ट दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। तो फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ।